हेलो दोस्तों, जीमेल पे तो आप सबका ईमेल अकाउंट होगा, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। गूगल ने जीमेल को बिल्कुल नया लुक दिया है और कई सारे नए फीचर्स को भी इंट्रोड्यूस किया है। तो आइए दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको जीमेल के नए फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है आसू और आपका मेरे इस टेक चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जीमेल का नया लुक ऑन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको जीमेल खोलना है और सेटिंग के गियर आइकन पर क्लिक करें और वहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा ट्राई न्यू जीमेल का। फिर आपको ट्राई न्यू जीमेल पे क्लिक करना है और आपका न्यू जीमेल लोड होना शुरू हो जाएगा। चूज व्यू में आप डिफ़ॉल्ट को ही ऑन रखें, फिर आपका न्यू जीमेल लोड हो जाएगा, रेडी हो जाएगा और ये देखने में भी बहुत अच्छा और क्लीन है। और इसके अलावा कई नए फीचर्स भी ऐड किए गए हैं, तो आइए इन फीचर्स के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, पहला फीचर है स्नूज बटन का। इसके लिए आप कोई भी ईमेल पे माउस हावर करेंगे तो अर्काइव, डिलीट, मार्क के साथ साथ स्नूज का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो कोई भी मैसेज को आपको बाद में रिप्लाई करना हो तो आप स्नूज में टाइम सेट कर दें, फिर आपको उस टाइम पे आपको फिर से नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उस मैसेज का रिप्लाई तब कर सकते हैं। दूसरा फीचर है कि अब आपको ईमेल के अटैचमेंट डाउनलोड करने के लिए मेल खोल के अटैचमेंट डाउनलोड करने की जरूरत नहीं रही, अब आप बिना ईमेल ओपन किए ही अटैचमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा फीचर है, अब जीमेल में कैलेंडर, टास्क और कीप का इंटीग्रेशन हो गया है, जिससे आप अपनी रूटीन सेट करके अपनी प्रोडक्टिविटीज बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अब आप जीमेल में एडऑन्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इतनी सारी एडऑन्स अवेलेबल हैं, तो आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और आप सीधे जीमेल में इन सभी एप्स को यूज कर पाएंगे और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाएंगे। चौथा फीचर है नज फीचर का, जिसमें आपको जीमेल पुराने इंपॉर्टेंट मैसेज को हाईलाइट करके आपको शो करेगा कि 3 दिन पहले आया है, कि आपको इसे रिप्लाई करना है, तो इस तरह से आपको मैसेज मिस करने का चांस बहुत कम हो जाएगा। पांचवा फीचर है स्मार्ट रिप्लाई का। अब मैसेज में आपको प्री सेट टेम्पलेट आंसर मिलेगा, तो आपको बस उस पर क्लिक करके आप शॉर्ट में उस ईमेल का रिप्लाई कर सकते हैं। छठा फीचर है जीमेल के मोबाइल ऐप के लिए। इसमें जीमेल आपके ईमेल्स की प्रायोरिटी को देखता है कि आप कौन सी ईमेल को ज़्यादा ओपन करते हैं और कौन सी ईमेल को इग्नोर करते हैं। तो आप जिस ईमेल को इग्नोर करते हैं तो उस ईमेल को अनसब्सक्राइब करने का ऑप्शन आपको देता है। सातवां फीचर है आपकी सिक्योरिटी के लिए। अब जीमेल फिशिंग या सस्पिशियस ईमेल को खुद ही ब्लॉक कर देगा, जिससे आप प्रोटेक्टेड हो पाएंगे रिस्की ईमेल्स के खतरों से। आठवां फीचर है एक्सपेंड और श्रिंक का। आप जीमेल के बगल की 3 लाइंस को टच करके आप अपने स्क्रीन पे मेल्स के लिए ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड कर सकते हैं। और नवा और सबसे अच्छा और इम्पोर्टेंट फीचर है कि अब जीमेल में कॉन्फिडेंशियल फीचर आ गया है, जिसमें आप अगर कुछ कॉन्फिडेंशियल मैसेज किसी को भेज रहे हैं तो रिसीवर को आपके मैसेज को फॉरवर्ड, प्रिंट या डाउनलोड करने के ऑप्शन को रिमूव कर सकते हैं। तो आप जिसे मैसेज भेज रहे हैं तो वो आपके मैसेज को डाउनलोड या प्रिंट नहीं कर पाएगा। इसके अलावा आप अपने मैसेज में एक्सपायरी टाइम भी ऐड कर सकते हैं, जिससे आपका मैसेज खुद ब खुद रिसीवर के ईमेल अकाउंट से डिलीट हो जाएगा। तो ये प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए बहुत ही अच्छा फीचर है। तो दोस्तों, आप भी अपने जीमेल अकाउंट में नया लुक और फीचर ट्राई कीजिए और बताइए कि आपको कैसा लगा, और अगर पसंद ना आए तो आप वापस से ओल्ड वाले एक जीमेल पर जा सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना भी ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।